हेलो एवरीवन वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस कंप्यूटर ग्राफिक्स के आज के ट्यूटोरियल में हम डी लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम का एग्जाम्पल देखेंगे लास्ट क्लास में हमने डी लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम देखा था कैसे एग्जीक्यूट करना है या क्या इंटरप्रिटेशन होती है हर स्टेप की उस एल्गोरिथम में वो समझा था एडवांटेज समझी थी सो so केस आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए वो लेक्चर देखना जरूरी है और बेटर रहेगा कि आप उस लेक्चर को देख के फिर यहाँ पे प्रोसीड करें सो so, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमें गिवन है इसमें दे रखा है कि प्लॉट अ लाइन बिटवीन द पॉइंट्स 5.4 एंड 12.7 कॉमा सेवन यूजिंग डी डी ए लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चाहे आपके थ्योरी एग्जाम्स हो कॉलेज में चाहे कोई और एग्जाम के लिए आप अपियर हो रहे हो जहाँ पे ऐसे सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चन So, यहाँ पे हमें जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं 5.4 और 12.7 ये दोनों पॉइंट्स ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तो इसे हम x1 y1 रिगार्ड करेंगे और ये है हमारा एंड पॉइंट तो ये वैल्यूज हो गई हमारे x2 y2 कोऑर्डिनेट्स ठीक है सो so, सबसे पहला स्टेप होता था डी डी में डी एक्स और डी वाई को कंप्यूट करना सो so, डीएक्स को कैलकुलेट हम कैसे करते थे एक्स टू माइनस एक्स वन तो ये हो गया हमारा ट्वेल्व माइनस फाइव और डी वाई हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन और ये आ जाएगा हमारा सेवन माइनस फोर विच इज थ्री ठीक है अब आपको एप्सल्यूट ऑफ डीएक्स कंप्यूट करना है एप्सुल्यूट यानी विदाउट एनी साइन अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन हटाना है और फिर एप्सल्यूट ऑफ डीएक्स और डीवाई निकालना है सो so, दोनों के केस में एप्सल्यूट uh, वैल्यूज भी सेम है डीएक्स और डीवाई के जैसे क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स है क्योंकि ये वो केस है जिसमें एप्सिल्यूट या मॉड ऑफ डीएक्स इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ डी वाई यानी एप्सिल्यूट ऑफ डी एक्स की वैल्यू बड़ी है एप्सिल्यूट ऑफ डी वाई से इसीलिए हमारा जो स्टेप वेरिएबल होता था उसे हम इनिशियलाइज करेंगे एप्सल्यूट ऑफ डी एक्स जिसे मैंने एल्गोरथम में ए बी एस यानी एप्सिल्यूट ऑफ डी एक्स करके भी लिखा था सो आप कंफ्यूज मत होगा So, यहाँ पे हमने अपने स्टेप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है सो so, यहाँ पे मैं आपको बता दूं डीएक्स की वैल्यू आई है सेवन डी की हमारी वैल्यू आई है थ्री और स्टेप वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया है एप्सोल्यूट ऑफ डीएक्स विच इज अगेन सेवन ठीक है तो हमारी टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन कितनी होंगी सेवन आइट्रेशन होंगी ये मैंने बताया था लास्ट क्लास के एल्गोरिथम में जब हमने डिस्कस किया था नेक्स्ट वैल्यू जो हमें कंप्यूट करनी है वो है एक्स इंक्रीमेंट यानी कितनी वैल्यू से हमें एक्स को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और एक्स को इंक्रीमेंट करने का या फिर एक्स इंक्रीमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता था डी एक्स डिवाइडेड बाई स्टेप्स सो विदाउट एप्सल्यूट प्लीज इस पे कोई गलती नहीं करनी है आपको ध्यान दीजिए डीएक्स की वैल्यू यहाँ पे तो दोनों ही डीएक्स और एप्सल्यूट ऑफ डीएक्स सेम है साइन नहीं है अदरवाइज अगर इन दोनों में से किसी में भी साइन होगा तो गलत हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल सो so, ये वैल्यू आ जाएगी सेवन डिवाइडेड बाई सेवन विच इज वन सो आपको हर स्टेप पे x को इंक्रीमेंट करना है वन वैल्यू के साथ यानी यूनिट इंक्रीमेंट करना है और ऐसे ही अगर हम y इंक्रीमेंट की वैल्यू निकाले वो हो जाएगी dy वाई डिवाइडेड बाय स्टेप्स और dy की हमारी वैल्यू आई थी थ्री थ्री डिवाइडेड बाय सेवन ठीक है सो थ्री डिवाइडेड बाय सेवन आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फोर समथिंग आएगा सो so लेट्स राइट एट डाउन जीरो पॉइंट फोर आप कैलकुलेट कर सकते हैं पर इजियर रखने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ जीरो कर सकते हैं जो भी आपको कन्वीनियंट फॉर्म है चाहे फ्रैक्शन चाहे डेसिमल ओके नाउ अब हमें आइट्रेट करना है स्टेप्स पे यानी टोटल सेवन आइट्रेशन होंगी लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको पिक्सल्स प्लॉट करने हैं पहला इनिशियल पिक्सल आपको प्लॉट करना है तो सबसे पहला पिक्सल प्लॉट होगा वो कौन सा होगा स्टार्टिंग पॉइंट सो यहाँ पे प्लॉट स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट है हमारा फाइव कॉमा फोर इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे हर स्टेप पे कि नेक्स्ट पिक्सल क्या है और उसको राउंड ऑफ करके यानी इंटीग्रल कोऑर्डिनेट निकाल के प्लॉट करेंगे ओके सो so, अपनी पहली आइट्रेशन शुरू करते हैं आई इक्वल टू वन मतलब अगर हमारा आइट्रेशन का वेरिएबल है आई सो पहले आइट्रेशन में आई इक्वल टू वन में लेट सी हम कैसे प्रोसीड करेंगे सो आई इक्वल टू वन केस में हमारे पास एक्स की करंट वैल्यू है फाइव सो एक्स की न्यू वैल्यू क्या होगी करंट वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट एक्स ऑफ इंक्रीमेंट और एक्स ऑफ इंक्रीमेंट है वन सो so यहाँ पे न्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिक्स और कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर मैं y कैलकुलेट करूं y इक्वल टू y की करंट वैल्यू है हमारे पास 4 और y की इंक्रीमेंट वैल्यू है 0.4 पॉइंट फोर सो फोर प्लस जीरो ये वैल्यू आ जाएगी 4.4 लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ इंटीगर सॉरी इंटीजर्स प्लॉट करने हैं सो so यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन में जो पॉइंट प्लॉट होगा वो होगा मा राउंडेड ऑफ वैल्यू ऑफ फोर पॉइंट फोर यानी फोर पॉइंट फोर को आपको राउंड ऑफ करना है और फोर पॉइंट फोर को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी फोर क्योंकि अगर ये फोर पॉइंट फाइव या फोर पॉइंट फाइव से बड़ा होता तो आपके पास राउंड ऑफ करके वैल्यू आती फाइव अगर फोर पॉइंट फाइव से छोटी है वैल्यू या फोर है वैल्यू तो राउंड ऑफ करके वैल्यू आएगी फोर सो so ये आपका फर्स्ट प्लॉट फर्स्ट पिक्सल जो प्लॉट हो गया ये आपका सेकेंड पिक्सल प्लॉट हो गया पहले आइट्रेशन में अब आई इक्वल टू टू यानी सेकेंड आइट्रेशन के लिए सिमिलरली कंप्यूट करना है नए एक्स की वैल्यू अब आप क्या देखेंगे सी यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज आपको ध्यान रखनी है एक्स की वैल्यू जो आपने कंप्यूट करी है एक्स और वाई की वैल्यू वही आपको नेक्स्ट इटरेशन में लेनी है जो पॉइंट प्लॉट करा है राउंड ऑफ करके उसे नहीं लेना है सो so, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है सिक्स सिक्स को मैंने एक्स इंक्रीमेंट में एड किया विच इज वन यहाँ पे वैल्यू हो गई सेवन y की पिछली आइट्रेशन में हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी 4.4 और यही वैल्यू मैं इस आइट्रेशन में यूज कर रही हूं ठीक है so सो 4.4 मैंने यहाँ पे 4 नहीं यूज किया है सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस सो 4.4 में मैंने y इंक्रीमेंट ऐड किया विच इज फोर जीरो और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आई 4.8 तो इस केस में क्या वैल्यू या क्या पिक्सल प्लॉट होगा या हाईलाइट होगा सेवन कॉमा फोर को हम राउंड ऑफ करेंगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी फाइव तो थर्ड पिक्सल जो आपका प्लॉट होगा वो होगा सेवन पॉइंट सेवन कॉमा फाइव ओके थर्ड आइट्रेशन पे आते हैं थर्ड आइट्रेशन में अगेन आपको ऐसे ही करना है x की नई वैल्यू इज करंट वैल्यू प्लस वन ये वैल्यू हो जाएगी एट y की न्यू वैल्यू इज करंट वैल्यू जो कि है फोर पॉइंट एट प्लस जीरो पॉइंट फोर जो कि है y इंक्रीमेंट ये वैल्यू आ जाएगी फाइव पॉइंट टू फाइव अगेन राउंड ऑफ होगा राउंड ऑफ होने के बाद ये वैल्यू अगेन 5 पे ही राउंड ऑफ होगी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू ठीक है नेक्स्ट आते हैं फोर्थ आइट्रेशन पे टोटल हमें सेवन आइट्रेशन परफॉर्म करने हैं ओके सो आई इक्वल टू फोर फाइव इक्वल टू सिक्स एंड आई इक्वल टू सेवन ठीक है okay? so, four, five, six, seven, और इसमें आप कॉरस्पोंडिंगली जैसे पीछे की आइट्रेशन में आपने वैल्यूज कैलकुलेट करी है एट प्लस वन इक्वल टू नाइन वाई इक्वल टू फाइव पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट फोर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5.6 अगेन वो राउंड ऑफ होगी क्योंकि 5.5 से बड़ी है ये वैल्यू तो ये राउंड ऑफ होके आएगी 6 ठीक है नेक्स्ट uh, हाइट्रेशन में x 1 से ही इंक्रीमेंट होगा तो x हो गया 9 प्लस वन टेन वाई इंक्रीमेंट होगा 5.6 पॉइंट सिक्स प्लस जीरो तो ये हो जाएगी वैल्यू 6 तो ये एग्जैक्ट पॉइंट प्लॉट हो जाएगा सिक्स सॉरी आई इक्वल टू सिक्स में एक्स की वैल्यू हो जाएगी टेन प्लस वन इक्वल टू इलेवन वाई की वैल्यू हो जाएगी सिक्स प्लस जीरो पॉइंट फोर विच इज सिक्स पॉइंट फोर और लास्ट आइट्रेशन में एक्स की वैल्यू हो जाएगी इलेवन प्लस वन ट्वेल्व और वाई की वैल्यू हो जाएगी सिक्स प्लस फोर प्लस जीरो पॉइंट फोर विच इज सिक्स पॉइंट एट ठीक है सो अब फिर से एक बार लिख लेते हैं कि हर आइट्रेशन में कौन सा पॉइंट प्लॉट हो रहा है एट कॉमा फाइव यहाँ पे प्लॉट होगा नाइन कॉमा सिक्स यहाँ पे यही एग्जैक्ट पॉइंट प्लॉट होगा टेन कॉमा सिक्स यहाँ पे प्लॉट होगी वैल्यू इलेवन कॉमा सिक्स और लास्ट में वैल्यू प्लॉट होगी 12.7, कॉमा सो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला पिक्सल आप आइट्रेशन में कैलकुलेट कर रहे हैं वो एंड पिक्सल के बराबर होना चाहिए अगर आपका एंड पिक्सल के बराबर नहीं आ रहा डेफिनेटली राउंड ऑफ करने के बाद क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट पिक्सल तो होना चाहिए 12 कॉमा लेकिन राउंड ऑफ करने के बाद आपकी वैल्यू अगर एंड पिक्सल के बराबर नहीं आ रही तो कुछ गड़बड़ करी है आपने सो दैट इज द सॉल्यूशन और आंसर टू दिस एल्गोरिथम एक चीज जो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहूंगी वो है इस पर्टिकुलर लाइन की टाइप या कैटेगरी या स्लोप अगर आप यहाँ पे देखें, सो स्लोप जब आप कैलकुलेट करोगे स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्लोप या एम इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स तो अगर मैं डी वाई बाय डी एक्स कैलकुलेट करूं ये वैल्यू मेरी आएगी थ्री बाय सेवन ठीक है थ्री बाय सेवन इज अ वैल्यू विच इज जीरो पॉइंट फोर यानि ये वैल्यू लेस देन वन है लेकिन ग्रेटर देन जीरो है और इस केस में हमने क्या करा है हर आइट्रेशन में x को वन से इंक्रीमेंट करा है और y को इंक्रीमेंट करा है एम से यानी वाई इंक्रीमेंट से विच यही वैल्यू वाई इंक्रीमेंट m के बराबर भी है तो अगर मैं एक जनरल नोटेशन या जनरल रूल आपको बताऊं जब भी आपका स्लोप जीरो और वन के बीच में लाया करता है आपकी एक्स की इंक्रीमेंट वैल्यू आएगी वन यानी आप एक्स को वन से इंक्रीमेंट करोगे और y को आप स्लोप से इंक्रीमेंट करोगे ठीक है सो so, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कुछ टीचर्स इस तरीके से डीडीए समझाते हैं कि वो आपको तीन या चार डिफरेंट केसेस दे देंगे कि m की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू अगर जीरो से सॉरी वन से कम है तो आपको एक्स को वन से इंक्रीमेंट करना है वाई को स्लोप से इंक्रीमेंट करना है अब हम आगे देखेंगे कि अगर स्लोप की वैल्यू वन से ज्यादा है तो हम उस केस में वाई को वन से इंक्रीमेंट करते हैं और एक्स को वन बाय से इंक्रीमेंट करते हैं लेकिन वो सारे केसेस या उन डिफरेंट केसेस को याद करने से अच्छा है और कुछ स्पेशल केसेस को अलग से याद करने से अच्छा है कि आप एक जेनरिक एल्गोरिथम याद करें या समझे कि वो कैसे प्रोसीड करता है क्योंकि उस जेनरल एल्गोरिथम में जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था उसमें सारे केसेस कवर हो जाएंगे सो एंड दिस इज अ प्रूफ दिस सॉल्यूशन इज अ प्रूफ ऑफ दैट जो कि मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया है कि आप उस जनरल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए भी वही तरीका डिराइव कर सकते हैं या उसी पॉइंट पे आएंगे उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जैसे वो स्पेसिफिक केसेस के थ्रू आप करते हैं सो so, आपका दैट इज योर कंप्लीटली योर चॉइस कि आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं बट दोनों ही सिनेरियो बताना uh, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो दैट इज टू यू आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया हो और ये पर्टिकुलर सिनेरियो उस मतलब ये पर्टिकुलर केस तब है जब स्लोप ऑफ द लाइन जीरो और वन के बीच में है अपकमिंग में मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल लूंगी जहां पे स्लोप ऑफ द लाइन ग्रेटर देन वन है या फिर वन के बराबर है या फिर स्पेशल केसेस है हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के ठीक है नेगेटिव स्लोप्स की बात करेंगे जनरली बहुत सारे ट्यूटोरियल्स या टीचर्स सिर्फ पॉजिटिव स्लोप की लाइंस के लिए आपको ये क्वेश्चंस करवाते हैं आई ट्राई नेगेटिव स्लोप के लिए भी कुछ क्वेश्चन मैं कवर कर पाऊँ सो दैट्स ऑल अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में प्लीज रीच आउट टू तो अस आप हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हैं आपके डाउट्स आप हमें फेसबुक के पेज पे मैंशन कर सकते हैं चाहे वो वीडियो के लिंक के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैंशन कीजिए या फिर फेसबुक पे आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए यूट्यूब पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आप कोई वीडियो मिस ना करें कोई फीडबैक है तो प्लीज यूट्यूब या फेसबुक पेज पे मेंशन करना मत भूलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल इजी इंजीनियरिंग क्लासेस फॉर मोर लेक्चर्स ऑन कंप्यूटर ग्राफिक्स एज वेल एज अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स गुड लक